आज ये जो अहम इजलास इसलिए बुलाया बलूचिस्तान असम्बली का, जो कराची में वाकया हुआ हमारे असाज़ा चाइनीज़ असाज़ा के साथ, असाज़ा जो भी हों उनका एक एहतराम होता है जिस किसी माशरे में, अगर असाज़ा अदालतों में भाई आ जाएं तो चेयर में वहाँ पे जस्टिस भी बैठे वो भी उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये असाज़ा हमारे फीमेल असाज़ा और फीमेल का हमारे माशरे में बहुत एक मकाम है, और असाज़ा उसे और एक हमारे माशरे में कभी भी ऐसा मिसालें नहीं मिलती, हमें इसका जितना मज़म्मत करें ये कम है, और मज़म्मत से कुछ नहीं होता है। हमारे सोच में ये नहीं था कि बलूचिस्तान में बलूचियों में ये चीज़ें आएंगे और हम फीमेल्स को टारगेट करेंगे। बलूच कबाइल में ये है कि कमज़ोर पे कभी वो नहीं रखते हैं, उसके साथ जुल्म नहीं करते हैं, उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, औरतें हमारे माशरे में आते हैं, हम 10-10 कत्ले माफ़ कर देते हैं। तो ये वाक़या हुआ जो कि मेरे ख्याल में हम इसका जो भी इसके कायम है हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उसके, और हम जिस माशरे में रहते हैं इस माशरे में इस तरह की चीज़ें करते भी नहीं हैं। और हाँ, किसी का ग्रीवेंसेस हैं, फ्लोर है, हाउसेस है, आपके पास फोरम है, हर दूसरे फोरम में स्ट्रीट में करके वो बात भी मैं बाद में आता था कि हमने जो चीज़ें हैं क्या क्या किए हैं अपने ये जो सूबे में दहशतगर्दी है, और जो पहाड़ों में, मैं उस पर बाद में आता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है, अगर तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े आप जाएं, मतलब तालीम हासिल करें, मतलब किसी चीज़ पे आप पीछे नहीं हटें, ताकि एक चीज़, और सबको पता है क्या मैसेज देना चाहते थे। मैसेज यही कि जो हमें चाइना के साथ हमारी दोस्ती है उसको ख़राब करने की एक वो करने की कोशिश की गई। सिपेक जो पाकिस्तान के लिए अहम है, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उसमें बलूचिस्तान में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि सीपेक ही मेहवर है, बलूचिस्तान ही मेहवर है सीपेक, और सारे प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे तरक्की चीज़ें बेहतर होंगी तो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, इस पर काम भी हो रहा है। ये खाम ख्याली उनका कि ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह का बुजदिलाना हरकत करके मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। अब तो इन्होंने इतने हद तक गए कि उन्होंने औरतों पे और ये कर दिया, और दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में कभी भी मिसाल नहीं मिलता है औरतों को हमने इस्तेमाल किया हो गया, हमने कभी भी औरतों को इस्तेमाल नहीं किया है कि किसी भी अपने मकसद के लिए। औरतों का एक हमारे माशरे में और मकाम है और एक रिस्पेक्ट है, हमने कभी भी औरतों को नहीं जंगों में धकेला, न कुछ इस चीज़ के लिए किया। देखिए, अगर चीज़ें ख़राब हैं उसको बातचीत के ज़रिए हल कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी कौन सी ग्रीवेंस आए बात करें। 18 अमेंडमेंट आया, बहुत सारी चीज़ें फेडरल से सूबों को मिलें, अगर कहीं के गिले शिकवे हैं, कहाँ पे चीज़ें बेहतर करना है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पूरा असम्बली यहाँ पर है, लोग बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ है, कुछ पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं चाहते। अगर आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम पहाड़ों में रह कर, आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग ये चीज़ें पाकिस्तान से जुदा करेंगे लोग, अगर यहाँ के लोग नहीं चाहते तो यहाँ पे असम्बली नहीं होता, लोग ये नहीं आते, शुरू दिन से असम्बली चल रहा है। और आप देखें कश्मीर में क्या हालत है, असम्बलियाँ हैं, चीज़ें हैं, हम वहाँ पे गए जुगंडा में, उनके स्पीकर को अलाउ नहीं था कि वो आए, हम गए थे, उन्होंने कहा मकबूजा बलोचिस्तान, मैंने मकबूजा होता तो मैं स्पीकर यहाँ पर नहीं होता, मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करता। यहाँ के लोग, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान से, और ये जो वाक़या हुआ उनका ख्याल है कि हम इस चाइना जो दोस्ती है और ये जो सीपेक है हम इसको बताना चाहते हैं कि हम करने नहीं देंगे। ये उनको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्होंने जब चाइनीज़ इंजीनियर पे वो किया, हमला किया, उनको कत्ल किया,
तो चाइना ने कहा कि ये चीज़ें हमारी दोस्ती के दरमियान में नहीं आते, वो सिविलाइज्ड कौम है, वो बहुत चीज़ों को दूर दूर से देखते हैं। आपने कोई और काम नहीं किया, चाइनीज़ को कोई नुकसान नहीं दिया, आपने अपने रिवायतों को पामाल किया, अपने रिवायतों को कि ऐसे रिवायत डाल रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कौम में, पश्तून में ये चीज़ें मिसालें नहीं मिलती कि इस तरह की चीज़ें, ना औरतों को हमने मारा है, ना औरतों को हमने उसमें इस्तेमाल किया अपनी जंगों में। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में ये चीज़ें अभी आ रहे हैं और बड़े शान से कबूल भी कर रहे हैं। क्या आपने एक औरत को मार के क्या किस शान से आप कबूल कर रहे हैं और बलोच होके, असल में जो चीज़ें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान के लिए कर रहे हैं, मेरे ख्याल बलोच दुश्मनी इससे ज़्यादा कोई नहीं है। बलोच दुश्मनी ग्रीवेंसेस हैं, हो सकते हैं, आए मिल बैठ के बात करेंगे, लड़ेंगे हक के लिए, लेकिन पहाड़ों में बैठ कर आप डेवलपमेंट को रोको, क्या बलूच दोस्ती है? टीचर्स को मारो, आज तक हमारे कितने टीचर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स को मारा, पढ़े लिखे तबके को अपने टारगेट किया। बलूच बेल्ट को आपने 20 साल इंसर्जेंसी में रख कर आपने बलूचों को तबाह कर दिया, एजुकेशन हमारा तबाह, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतने ऐसा सच है नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे जो लोग स्कूलों में जाते थे आज तक स्कूलों को दोबारा हमने उस तरह फॉर्म नहीं कर सके। किसको नुकसान हुआ? बाहर के लोगों को, क्या चाइनीज़ को नुकसान हुआ या बाहर लोग बैठे उनको नुकसान हुआ, बलोच कौम को नुकसान हुआ? ये बहरहाल ये जो इन्होंने किया, मैं अपने पूरा हाउस की तरफ से, बलूचिस्तान अवाम की तरफ से, चाइना के गवर्नमेंट के हम इससे वो करते हैं कि ये जो हुआ हमारे रिवायत में नहीं है, ये दहशतगर्द जिस कौम जिस मज़हब में इस तरह के दहशतगर्द हर जगह हैं, ये बलोच और पश्तून रिवायतों में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलते, हमें इसे हम वो इसकी मजम्मत करते हैं और इस गम में हम चाइना गवर्नमेंट और चाइना अवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस तरह के, मैं मुझे यकीन है कि आइंदा ये मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि औरत को इस्तेमाल करके आप उसको वो कर रहे हैं और शान से कह रहे हैं मैंने बड़ा कमाल किया, मैं समझ नहीं आ रहा कि किस दुनिया में रहते हैं और क्या वो सोचते हैं। थैंक यू जनाब।